Hey explorers, this is Puneet Singh. Hope you all are good and safe. Welcome to my new episode. In this episode, I am going to tell you the top 3 ways to explore yourself. ये सैक्रोसेंट एक्सप्लोरर बताएगा कि आप खुद को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो, खुद को डिस्कवर कैसे कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट. सो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खुद को ढूंढना या खुद को जानना. मतलब कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या चाहते हो, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके अंदर क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, ये ढूंढना. और खुद के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज़ को जानना. सो द फर्स्ट वे टू एक्सप्लोर योर सेल्फ इज सोलो ट्रैवलिंग. सोलो ट्रैवलिंग का मतलब होता है अकेले ट्रैवल करना. जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो तब आप सब कुछ खुद ही डिसाइड करते हो, अपने आप को चैलेंज देते हो और आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो. क्योंकि सब इसमें सोलो ट्रैवलिंग में आप सब कुछ खुद ही डिसाइड करते हो, तो अपनी गलतियों के रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होते हो. और ऐसे में आप अपने आप को नए नए चैलेंजेस देते हो और जिससे आप सीखते हो मुसीबतों से लड़ना. ऐसे में आप अपनी विल पावर, अपने डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ और अपनी ट्रू पावर को अच्छे से पहचान पाते हो और जिससे आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो. जब आप सोलो ट्रैवलिंग में नए नए लोगों से मिलते हो तो वो भी आपको खुद को समझने में मदद करता है. सोलो ट्रैवलिंग से आप खुद को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो. सो जो दूसरा तरीका है जिससे आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो वो है अपने आप से क्वेश्चंस पूछना. मतलब क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. जब आप क्वेश्चंस पूछते हो मतलब आप में क्यूरियोसिटी है किसी भी चीज को जानने की. यही क्यूरियोसिटी आपको खुद को जानने के लिए बढ़ानी है. आपको अपने आप से प्रश्न पूछने होंगे, जैसे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या पर्पस है, मुझे क्या बनना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या मैं सच में खुद को जानता हूँ. जब आप ऐसे क्वेश्चंस खुद से करोगे ना, कभी भी मॉर्निंग में या चाहे रात को सोते समय या कभी भी, तो हफ्ते में आपको इनके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो प्रोसेस होगा ना, ये जो आंसर्स ढूंढने का, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा और इसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कवर भी कर पाओगे. अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि 11th और 12th में सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी होता है. खुद को जानना, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद की फील्ड जानना, खुद के इंटरेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है. 11th 12th में ही आपकी आगे की लाइफ डिसाइड हो जाती है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में शायद नहीं सिखाया जाता. लाइक जैसे जर्मनी में जब लोगों का 10th कंप्लीट हो जाता है, हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ के बच्चे एक साल तक घूमने जाते हैं बाहर. आप खुद को एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि वो मतलब किस चीज़ के लिए बने हैं एक्चुअली. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है और होना भी चाहिए. सो अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छी बोनस टिप देने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने बारे में बहुत अच्छे से कैसे जान सकते हो. सो द लास्ट वे टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इज सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड बहुत ही इफेक्टिव होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए. सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में टाइम स्पेंड करना और उस अकेलेपन को आप इंजॉय करते हो. सॉलिट्यूड में आप खुद के बारे में सोच सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो, खुद का एक एनालिसिस कर सकते हो, जिसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस. अगर आप सॉलिट्यूड नेचर में बैठ के करोगे
तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा खुद को जानने के लिए। सॉलिट्यूड के ऊपर ये स्वामी विवेकानंद का एक कोट है जिसे आप मेरी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। एंड मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसका नाम था 7 मैजिकल सीक्रेट्स टू बी हैप्पी। उसमें मैंने सॉलिट्यूड बताया था जो कि सॉलिट्यूड से आप खुश रह सकते हो। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो की लिंक होगी, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो मैं 3 वेज खुद को एक्सप्लोर करने के बता चुका हूँ: सोलो ट्रैवलिंग, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ एंड सॉलिट्यूड। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को जानने के लिए। एंड आपको अपना एरिया पता होता है, आपको कहाँ लाइफ में क्या करना है, अपने आप को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने खुद को एक्सप्लोर कर लिया, खुद को ढूंढ लिया, खुद को जान लिया, तो मतलब आपने यूनिवर्स को ढूंढ लिया। यूनिवर्स और कहीं नहीं है, यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। रूमी कहते हैं ना, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज इनसाइड अस। तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ये हमारे अंदर है। अगर हमने खुद को जान लिया, खुद को डिस्कवर कर लिया, तो मतलब हमने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, पूरी सृष्टि को जान लिया। और अगर आप संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखते हो या उसके सेमिनार में गए हो कभी, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि उसके एक दीवार पे लिखा होता है सेल्फ डिस्कवरी, मतलब खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीप महेश्वरी बोलता है ना कि सेल्फ डिस्कवरी, जिसने खुद को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, सब कुछ जान लिया। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द की, यानी कि हमको खुद के अंदर ही झांक करके देखना है, वो सारे जो आंसर्स हैं वो हमारे खुद के अंदर ही। इनफैक्ट ये जो स्टेज पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं डिस्कवर योरसेल्फ, इसका भी यही मतलब है, जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। सो एट लास्ट मैं आपको बताने वाला हूं बोनस टिप जिससे आप खुद को बहुत अच्छे से जान सकते हो। सो द बोनस टिप है कि आप सोशल मीडिया पे अपने इंटरेस्ट के पेज को फॉलो कर सकते हो, पेज को लाइक कर सकते हो, और आप अपने जैसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हो, ऐसे फेमस पर्सनालिटीज जो आपको लगता है कि आपकी तरह है, उनकी लाइफ आपकी तरह है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो बुक्स में, गूगल पे। एंड आप गूगल पे कोट्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे कोट्स अपने बारे में जो आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ के बारे में, जैसे सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में, और भी बहुत चीज़ों के बारे में कोट्स पढ़ सकते हो आप, और लोगों के बारे में पढ़ सकते हो, और सोशल मीडिया पे पेज फॉलो कर सकते हो बहुत सारे। ठीक है, तो ये थी मेरी बोनस टिप। जैसे मैं जो चीज़ मुझे पसंद है, जो मेरा इंटरेस्ट है, उसके बारे में मैं कोट्स सर्च करता हूँ गूगल पे, जैसे कि सेल्फ लव कोट्स या फिर जैसे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन कोट्स। वहाँ पे आपको सारे कोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो, या उसे पढ़ के आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो आपको वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोट्स मिलेंगे। जैसे मैंने इस वीडियो में बोला था कि ये वीडियो 11, 12th वाले बच्चों के लिए और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या बनना है, आपको लाइफ में क्या करना है। तो आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, वो जानना, वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ शेयर करो ताकि और स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके और वो इस वीडियो के बारे में जान सकें। सो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ नाइदर टू ईजी नॉर टू फास्ट टू अचीव। इट टेक्स टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में टाइम लगता है, ये महीने दो महीने की बात नहीं है, एक साल, दो साल, तीन साल भी लग सकते हैं। मैं खुद अपने आप को 11th क्लास से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और जैसा कि मैंने बोनस टिप में बताया था कि अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़नी चाहिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए। जैसे कि मैं 11th 12th क्लास में जो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर आता था, उसमें सप्लीमेंट था टाइम्स लाइफ, वो पढ़ता था। वहाँ पे लोगों के कोट्स भी आते थे और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते थे, तो वो मैं पढ़ता था। और लोगों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर खुद को एक्सप्लोर करना है। तो जैसे अगर आप लोगों के बारे में पढ़ते हो तो उनमें जो सिमिलर अपनी लाइफ में और उनकी लाइफ में सिमिलैरिटी देखते हो एक, तो वो चीज़ आप देखते हो कि अरे ये तो ये क्वालिटी मेरे अंदर भी है, ये तो मैंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं की, ये क्वालिटी भी होती है। तो तब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो जब आप लोगों के बारे में पढ़ते हो, क्योंकि जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो ऑलरेडी उनकी लाइफ में हो चुका है हिस्ट्री में। इसलिए लोगों के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हो सकता है आपके अंदर एक बहुत अच्छा एक्टर छुपा हो सकता है एक
आपके अंदर बहुत एक अच्छा सिंगर छुपा हो, या कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या कुछ भी ले लो, हो सकता है आपके अंदर बहुत अच्छा एथलीट छुपा हो, या हो सकता है आपके अंदर बहुत अच्छा जीनियस छुपा हो, अभी तक आपने उसे डिस्कवर ही नहीं किया हो, अभी ढूंढा ही ना हो। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को ढूंढने के लिए, खुद को डिस्कवर करने के लिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप खुद को ढूंढना चाहते हो ना, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मदद करूँगा आपको खुद को ढूंढने में। मैं बुक्स बताऊँगा कौन कौन सी बुक पढ़नी है, और नेचर और ट्रैवलिंग का कंटेंट बनाऊँगा। सो मैं हेल्प करूँगा खुद को ढूंढने में। सो अगर आपको खुद को ढूंढना है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो। सो कीप सपोर्टिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज़ पुनीत सिंह साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय।